सो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने बीएसएनएल का एक न्यू सिम लिया है या दोस्तों किसी भी कंपनी के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है, लेकिन दोस्तों आपके बीएसएनएल सिम के अंदर नेटवर्क सही से नहीं आते हैं और दोस्तों इंटरनेट भी बहुत स्लो चलता है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएसएनएल सिम की तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा। यदि आप इन तीन सेटिंग को अपने बीएसएनएल सिम के अंदर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट की स्पीड पहले से ज्यादा तेज होने वाली है। यदि आप भी एक बीएसएनएल सिम का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बीएसएनएल सिम की पहले नंबर की ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप अपने बीएसएनएल सिम के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखना इन तीन सेटिंग को। ठीक है, अब दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सिम एंड नेटवर्क सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो बीएसएनएल का सिम है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रोमिंग। ठीक है, ये दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर अभी इस तरीके से यहाँ पर बंद मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, जिस एरिया में आप बीएसएनएल सिम का इस्तेमाल करते हैं वहां पर दोस्तों रोमिंग के जो नेटवर्क आ रहे हैं ना, और आपने यहां से उसको बंद कर रखा है, तो इसको ऑन करने के बाद आपके बीएसएनएल सिम के अंदर नेटवर्क सही से आने लगेंगे और इंटरनेट भी आप हाई स्पीड से चला पाएंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये करना है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम। ठीक है, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पुराने वाला एपीएन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप एक यहाँ पर बीएसएनएल के न्यू एपीएन को क्रिएट करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और आप भी चौंक जाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर ये प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, आपको दोस्तों कैसे करना है ध्यान से देखना। आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिले नेम का, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको लिखना है बीएसएनएल 4G अनलिमिटेड। ठीक है, BSNL BSNL 4G अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे मैं दोस्तों लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर लिखना है BSNL 4G अनलिमिटेड। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने APN का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। APN में आपको लिखना है BSNL हाई स्पीड। ठीक है, BSNL हाई स्पीड। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे आना है, सर्वर का एक ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है www.google.com। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है www.google.com। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑथेंटिकेशन टाइप। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर PAP और CHAP करना है। इसको APN प्रोटोकॉल को भी यहीं पर इस तरीके से करना है और इसको भी यहाँ से कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बैरियर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ पर हटाना है, LTHSPAP और ओके सही के निशान पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के अंदर BSNL का 4G न्यू APN क्रिएट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन के जो नेटवर्क है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और आप इस APN को करने के बाद अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट चलाकर देखना, आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तीन सेटिंग जरूर करना यदि आप हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये थी पहले नंबर की सेटिंग। ठीक है, अब दोस्तों आपको सेकेंड नंबर की ट्रिक अप्लाई करनी है। आपको अपने डायल पैड में आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है *#*#4636#। अब दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर ये सेटिंग इनेबल हो जाएगी। इसको आपको यहाँ पर फोन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपके बीएसएनएल के नेटवर्क हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किस कंपनी का डिवाइस यूज करते हैं, आपको कितनी स्पीड मिल रही है। यदि आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये रिफ्रेश का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कोड को यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको यहाँ पर प्लस 7 का एक न्यू कोड आपको देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क पहले से ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी सेकंड नंबर की ट्रिक। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा तीसरे नंबर की ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से आप अपने इंटरनेट की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर माई फोन पर आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है
बिल्ड नंबर, इस पर 7 बार टैप करना है। 7 बार टैप करने के बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर एक सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। इस पर आपको सिस्टम सेटिंग में आना है, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, इस सेटिंग को यदि आप ऑन कर लेंगे तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग, ये दोस्तों बंद मिलेगा, इस सेटिंग को आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने से जब भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट दोस्तों आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला ना तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका दिन शुभ हो।